हेलो जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है जी हमारे इस चैनल हारमोनियम गुरु में। तो आज की इस वीडियो में आपको 17वां लेसन देने जा रहा हूँ हारमोनियम के ऊपर। मैंने अभी तक 16 लेसन डाले हैं, तो जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेकर अलंकार तक बताया अभी तक। तो आज की इस वीडियो में आपको बिलावल थाट का एक लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम अगला थाट शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने उस थाट के आपको करीब करीब 45 के अराउंड अलंकार दिए हैं, ठीक है। आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी किया होगा और काफ़ी लोगों को वेट है इस 17वें लेसन का, तो आज मैं डालने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल हारमोनियम गुरु को और दबाइए इस बेल आइकन बटन को ताकि आपको संगीत से जुड़ी हर एक वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने जो अलंकार किए हैं वो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज जो करेंगे, आज हम करेंगे बिलावल थाट के स्केल, कि आपको जो बिलावल थाट है सभी स्केल से कैसे बजाना है, ठीक है। उसका जो शुद्ध सारे गामा पादा निस है, आपको हर एक स्केल से निकालना आना चाहिए। तभी आप कोशिश करिए कि हर एक स्केल से सारे गामा पादा निस निकालिए बिलावल थाट में, फिर उनमें कुछ अलंकार ट्राई करिए आप सभी स्केल से, तब जाके वो आपका बिलावल थाट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ स्केल बताऊंगा, ठीक है। मोस्टली जो हमने पहले स्केल किया था बिलावल थाट का, तो ये किया था, तो आज हम ये वाला स्केल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले मैं इसी स्केल के ऊपर बता देता हूँ पहले स्केल का। तो पहला काले को मैंने सा माना, तो यहाँ से बिलावल थाट बनेगा सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो ये आपका बिलावल थाट पहले काले के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अभी दूसरा स्केल से देखते हैं, यानी कि सफ़ेद से। तो यहाँ से आपका बिलावल बनेगा सा शुद्ध रे शुद्ध गा मा पा शुद्ध धा नी और सा, ठीक है। ये आपका दूसरा स्केल है, मैं दोबारा बता रहा हूँ इसी स्केल को, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो इसी प्रकार अभी तीसरे स्केल पे चलते हैं हम। तो ये आपका तीसरा स्केल, इसको आप सा मानोगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ ये स्केल, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपका तीसरा स्केल हो गया, ठीक है। अभी बात करते हैं चौथे स्केल से, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ मैं चौथा स्केल आपको, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये आपका चौथा स्केल हो गया, ठीक है। अभी पांचवा स्केल देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका पांचवा स्केल हो गया। अभी छठा स्केल देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ आपको छठा स्केल, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। अभी इससे आगे वाला स्केल, ये वाला स्केल आएगा, तो देखिए सा रे गा मा पा धा नी सॉरी नी सा।
दोबारा देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अभी ये वाला स्केल देखते हैं, आठवां स्केल हाँ, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ, सा रे गा मा सॉरी मा पा धा नी सा। तो चलिए अभी ये स्केल देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ ये स्केल, सा रे गा मा पा धा नी सा। अभी ये स्केल देखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। दोबारा बता रहा हूँ ये स्केल, सा रे गा मा सॉरी मा पा धा नी सा। इस प्रकार आप टोटल सभी स्केलों से सारे गामा पादा नी सा बजाना चाहिए आपको, ठीक है। जब आपको स्केल बजाने आ जाएंगे फिर उनके ऊपर आप अलंकार बजाएं, ठीक है। जैसे अभी मान के चलिए मैं इस स्केल से आपको कुछ बताता हूँ, कुछ अलंकार बजा के दिखाता हूँ। सा सा रे गा मा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा। इस प्रकार आप सभी स्केलों पे अलंकार बजाइए, आप सभी स्केलों को जानिए कि स्केल क्या चीज़ है। जब आपको स्केल की नॉलेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपको हारमोनियम की समझ लगनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ लगनी शुरू हो जाएगी कि स्वर क्या चीज़ है, इनका स्वरों का जो मूवमेंट होता है हारमोनियम के ऊपर कैसे होता है, ठीक है। तो आप इसका प्रयास करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम अगला थाट शुरू करेंगे। तो आज आपका बिलावल थाट पूरा कम्प्लीट हो चुका है, आप अलग अलग स्केल से सारे गामा पादानी सा शुद्ध सारे गामा पादानी सा बजा कर देखें खुद से, ठीक है। तो शुक्रिया, जल्दी आपके लिए अगला लेसन लेके आऊँगा, धन्यवाद।